हेलो एवरीवन, हेलो हाय, वेलकम टू रोड टू सक्सेस। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर हूँ आपके अपने चैनल रोड टू सक्सेस पे। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। डिस्कशन क्या होगा तो मैं ज़रा अपने स्क्रीन की तरफ आपको ले जाऊँ। एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे, काफ़ी पूछताछ कर रहे थे कि ये टॉपिक कब आएगा, इस टॉपिक पर डिस्कशंस कब होंगे। तो टॉपिक मैं लेके आ चुका हूँ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ मैं 2023 में दिसंबर में, और उसी हैसियत से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यूजीसी नेट क्वालिफाइड इंसान यूजीसी नेट के लिए पढ़ा सकता है। पर ऐसा कोई बंदिश नहीं है, जो इंसान यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं होते हैं वो भी पढ़ा सकते हैं अगर उनको पढ़ाना आता है तो, अगर उनमें वो काबिलियत है तो। तो हर लहजे से मैं पढ़ाने में रुचि रखता हूँ। तो अगर मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं भी रहता तो भी पढ़ाता, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ तो भी पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो जाए, और वही मेरी इच्छा है, मनोकामना है, ईश्वर से वही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे, इस पर थोड़ा बात करते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये बात करने वाला टॉपिक है। हालांकि आप लोग के साथ सीधा इंटरेक्शन तो नहीं हो पाता है यूट्यूब के थ्रू, स्पेशली जब रिकॉर्डेड क्लास रहते हैं। लाइव अगर मैं कभी आऊं तब शायद कमेंट्स के थ्रू बातें हो जाएं, लाइव चैट के थ्रू, पर यहां पे तो संभव नहीं। पर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है उसका मज़ा बात करने में ही है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को मैंने कभी सब्जेक्ट के तौर पर देखा ही नहीं, ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ये चाय की टपरी पे बैठ के डिस्कशन है। जी हाँ, जो चाय की टपरी होती है ना, चाय की टपरी में जब हम चार लोग बैठते हैं और बैठ के जो हम डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। जो हम अपने दोस्तों के बीच बैठ के हमेशा शिकायत करते हैं सरकार से कि देखो यार सड़कें ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, तो ये जो हम बातें कर रहे हैं ना सर, ये बातें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बातें हैं। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हमसे अलग नहीं है, हम उसकी बातें रोज कर रहे हैं, जाने अनजाने में सही, वी आर एवरी डे टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स विदाउट नोइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए यह शर्त है ही नहीं कि आपको इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आप किसी भी स्टूडेंट, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप इस पर बातें कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। अब इन बातों को हमने थ्योरीज के फॉर्म में पढ़ा है। किसके फॉर्म में पढ़ा है? थ्योरीज के फॉर्म में। इन बातों को जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करें वो थ्योरी हो जाती है। और बड़े बड़े जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने थ्योरीज दी हैं। थ्योरीज में क्या कहा है? आप थ्योरी को देख के डरते हैं सर, आप क्या देखते हैं? उसमें इक्वेशन है, उसमें मैथ्स है, उसमें एजम्पशंस हैं, आप ये सारी चीजें देखते हैं और आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं कि ये मुझसे कैसे होगा। लेकिन अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना, कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्सेप्ट, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना तो आपको कोई भी थ्योरी पढ़ने में या समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये थ्योरी वही चीज है जो हम लोग रेगुलर बातचीत कर रहे हैं। अभी जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। अगर इसको आज तुमने स्किप कर दिया ना तो फिर आने वाले वीडियोज में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्किप मत करना इसे, मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइव क्लासेस में मैंने बताया है, ये चीजें मैंने लाइव क्लासेस में बताई हैं अपने स्टूडेंट्स को, और आज आप लोग को यूट्यूब पे बता रहा हूं। तो स्किप मत करना लाइव क्लास में, जैसे आप स्किप नहीं कर सकते वैसे ही यूट्यूब का जो आपको वरदान मिला उसका मिसयूज मत करिए स्किप करके, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप समझ लेना तो सारी थ्योरीज आपको समझ में आ जाएंगी। आपने क्या पढ़ा है? आपने सोलो का ग्रोथ मॉडल पढ़ा है, सोलो का ग्रोथ मॉडल आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है? आपने हैरोड डोमर का ग्रोथ मॉडल पढ़ा है, हैरोड डोमर का ग्रोथ मॉडल पढ़ा है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है? इसके अलावा आपने क्या कहते हैं उसको, मार्क्स का मॉडल पढ़ा है आपने, आपने फेरानिस का मॉडल पढ़ा है। ये सारे मॉडल क्या है? ये सारे मॉडल डेवलपमेंट मॉडल्स हैं। लेकिन इन मॉडल को अगर आप इक्वेशंस, मैथमेटिक्स, इन सब के
टेलीस्कोप से देखोगे तो आपको ये हमेशा मुश्किल लगेगा। अगर आप इसको जिस्ट में समझोगे, अगर इसको आप कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बेकार सी बात कह रहे हैं, ये तो सबको पता है। सबको पता है पर जानते कोई नहीं है, बात ये है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप चीजों को, मतलब मैं आपको ये रियलाइज करवा सकूं कि ये आपको पता है। मैं आपको कुछ नया नहीं बताऊंगा, जो चीजें आपको पता है वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि एक किस्सा है, कहानी है, वो कहते हैं कि जब बजरंगबली को कहा गया कि आपको समुद्र पार करना है, आपको समुद्र पार करना है और सीता माँ को खोजने जाना है, जब ये इन्फॉर्मेशन आ गया इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से कि सीता माँ जो है वो समुद्र के उस पार है, एक भूमि है लंका भूमि, वहां पे उनको रावण नाम का राक्षस ले गया है, तो ये खबर जब मालूम पड़ गई, रॉ एजेंट वहां पे जो समय के रॉ एजेंट्स हैं उन्होंने बताया कि किडनैप हो गई है सीता माँ। तो हनुमान जी स्पाई है, हनुमान जी क्या है, एजेंट है। उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा और मैं खोज खबर लेके आऊंगा, लेकिन समुद्र देख के उनको लगा कि यार इसको मैं कैसे छलांग लगाऊं, ये तो बहुत बड़ा समुद्र है। उनको छलांग लगाना आता था, छलांग लगाने की एबिलिटी उनमें थी, वो वायुपुत्र थे, लेकिन वो भूल गए थे। तो उस वक्त जामवंत जो थे, जामवंत पता है ना आप लोगों को, जामवंत उस वक्त जो जामवंत थे, उन्होंने कहा बजरंगबली से कि तुम जानते नहीं हो तुम में कितना पोटेंशियल है, तुम अपने अंदर की पोटेंशियल को निकालो और तुम देखो तुम कैसे छलांग लगाते हो। जब हनुमान जी ने अपने अंदर की पोटेंशियल को टटोला और उन्होंने ये देखा और समझा कि हाँ मैं छलांग लगा सकता हूं, मुझे तो आता है, तब उन्होंने छलांग लगाया। तो आप लोग जो हो ना डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, आप जानते सब हो पर आपको रियलाइज नहीं है वो। तो मैं बस जामवंत जैसा काम करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं जामवंत हूं, वो तो बहुत ही महान व्यक्ति से, व्हाट अ पर्सनालिटी, मैं तो नॉर्मल सा इंसान हूं, पर मैं जामवंत वाला रोल अदा करूंगा और आप लोगों को बजरंगबली वाला रोल अदा करना है। तो आप देखना डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे बातचीत। तो जैसे ही हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे बातचीत शुरू करेंगे, एक सवाल हमेशा खड़ा होता है कि डेवलपमेंट में और ग्रोथ में क्या फर्क है। एक सवाल जो है वो हमेशा स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होता है और हर टीचर ये सवाल पूछता है, ये एक ट्रेडिशनल सवाल है कि डेवलपमेंट में और ग्रोथ में क्या फर्क है, क्या इन दोनों में फर्क है भी या नहीं, क्या ये दोनों एक ही चीज है, क्या ये दोनों एक ही चीज है या ये दोनों अलग है। अगर अलग है तो क्या अलग है इसमें, डेवलपमेंट यानी विकास। मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल दूं, वरना हिंदी वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमें आप ध्यान नहीं देते। और ग्रोथ जो है वह है वृद्धि। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है वृद्धि। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। देखिए अगर आप आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करें उस वक्त तो आप डेवलपमेंट और ग्रोथ को सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं, सिनोनिमसली यानी कि एक की जगह दूसरे को आप यूज कर सकते हैं अगर आप आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इधर जो एरिया है ना जहां पर मैं रहता हूं, जहां मैं बड़ा हुआ हूं, वेस्ट बंगाल कलकत्ता और जो वो पूरा बेल्ट है बिहार यूपी, इन जगहों में जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में वो लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको शॉपिंग करने जाना है, शादी की शॉपिंग है, तो वहां पे लोग शॉपिंग नहीं कहेंगे, वहां पे लोग कहेंगे मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। क्या कहते हैं, मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। जैसे एक आंटी निकली अपने घर से, अपनी गली से गुजर रही है, पड़ोस वाली आंटी बालकनी से पूछ रही है, और मिसेस शर्मा कहाँ जा रही है, तो मिसेस शर्मा कहती है कि मैं मार्केटिंग जा रही हूँ। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तो अगर आप कॉमर्स की भाषा में समझो, मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना, प्रचार करना, प्रमोशंस करना, एडवर्टाइजमेंट्स करना, उसको मार्केटिंग कहते हैं कॉमर्स की भाषा में।
जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में मार्केटिंग इज इक्वल टू शॉपिंग, मार्केटिंग इज इक्वल टू शॉपिंग। आप इसको आजकल के जो जनरेशन है यानी कि जो जेंजीज हैं जो वर्ड्स को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मुझे जेंजी की ये बात अच्छी लगती है कि वो प्रॉपरली वर्ड को डिफाइन करते हैं, सही जगह पे सही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करेंगे, वो इंस्टाग्राम पे जाके लिख देंगे शॉपिंग क्रॉस मार्केटिंग टिक। ये भी एक नया ट्रेंड चला इंस्टाग्राम पे, शॉपिंग रेड कलर का क्रॉस मार्केटिंग राइट कलर का टिक ग्रीन कलर का टिक। ओके, तो ये कर देंगे, वो ये सब हरकत करते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में हम जैसे मार्केटिंग और शॉपिंग को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो हम आम बोलचाल की भाषा में डेवलपमेंट को और ग्रोथ को भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो तब ऐसा नहीं चलेगा। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का और ग्रोथ का स्ट्रिक्टली अलग अलग मतलब है, स्ट्रिक्टली अलग अलग मतलब है। ग्रोथ क्या है, पहले ग्रोथ को समझते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट हो नहीं सकता। बिना डेवलपमेंट के ग्रोथ हो सकता है पर बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सो ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, ग्रोथ इज मैंडेटरी, ग्रोथ इज मैंडेटरी, डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। हर कंट्री को ये फोकस करना चाहिए कि वो लॉन्ग रन में डेवलप कंट्री कहलाए। ग्रोथ वाला कंट्री हम नहीं कहते कि ये कंट्री ग्रोथ कंट्री है, हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। तो हर कंट्री का जो सोल ऑब्जेक्टिव है, हर कंट्री का जो मोक्ष है वो है डेवलप होना। हर कंट्री की सारी जो योजनाएं हैं, सारी जो पॉलिसीज है, वो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बिना ग्रोथ के आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कि ग्रोथ क्या चीज है। तो पहले ग्रोथ पे आते हैं, पहले हम ग्रोथ पे आते हैं। तो मैं एक सर करो, एक और इसको मैं ओपन करता हूं। हाँ, तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ यानी कि हिंदी में क्या कहा मैंने, वृद्धि। वृद्धि क्या है, तो देखिए जब आप एज अ कंट्री, जब आप एज अ कंट्री पैसे बहुत बना रहे हो यानी कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आपका नेशनल इनकम जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम बढ़ रहा है, ये अगर आपका राइज हो रहा है तो आप मनी टर्म्स में अच्छे हो रहे हो यानी कि आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है। अगर आपकी जो भी मनी वाली चीजें हैं अगर वो आपकी बढ़ रही है तो आप कहोगे कि आपका ग्रोथ हो रहा है। जैसे एग्जांपल, हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। अभी जो रिसेंट जो फोरकास्ट है वो कह रहा है कि इंडिया 8% प्लस के रेट से इंक्रीज करेगा उसका जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये जीडीपी ग्रोथ रेट की बात होती है। जीडीपी ग्रोथ रेट का जो प्रेडिक्शन है कि वो 8% से ऊपर ग्रो करेगी हमारी कंट्री, और इतनी स्पीड से ग्रो कोई भी कंट्री नहीं कर रही है अभी, इतनी स्पीड से कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर रही है 8% से। अगर आप पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे देखो, पिछले साल के अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखते हो तो उसमें भी आपको मालूम पड़ेगा जितने भी प्रेडिक्शन है सब 7 से लेके 7.5% के आसपास है, 7 से लेके 7.5% के आसपास इंडिया का ग्रोथ का प्रेडिक्शंस था, अभी 8% है। ये प्रेडिक्शंस कौन करते हैं, तो अलग अलग बॉडीज प्रेडिक्शंस करती है, जैसे आरबीआई की प्रेडिक्शन होती है, एसबीआई भी प्रेडिक्शन कर लेती है, और जो अपने वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये भी प्रेडिक्शंस करते हैं। इन सब के प्रेडिक्शंस होते हैं, जितनी अच्छी इंस्टीट्यूट, जितनी अच्छी संस्था उतना अच्छा प्रेडिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। तो अगर ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है तो आप ये मतलब आप ये कह सकते हो कि चलो ठीक है, ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है यानी कि हम सबसे बढ़िया कंट्री, हम सबसे बढ़िया कंट्री, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप हकीकत देखो तो क्या इंडिया बेस्ट कंट्री है, क्या इंडिया से बेहतर और कोई कंट्री नहीं, क्या अमेरिका जापान इंडिया से बेहतर नहीं? बिल्कुल बेहतर है सर, बिल्कुल बेहतर है। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रोथ रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता,
ग्रोथ रेट से कोई भी कंट्री अच्छा नहीं होता। ग्रोथ रेट अगर अच्छा है तो एक चीज हम कह सकते हैं कि हम अच्छी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, पर हम अच्छा नहीं है। हम अच्छी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं पर हम अच्छे हुए नहीं है, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है ना सर, वो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ ग्रोथ आपका हो जाएगा पर आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। ग्रोथ हो सकता है आपका पर आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, नॉट नेसेसरी। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, एक्स वाई जेड उसका नाम है, इस इंसान का ग्रोथ बहुत हुआ। ग्रोथ हुआ मतलब ये मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है, ये मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, इसको एक अच्छी नौकरी लगती है। मान लीजिए इसको 40 लाख रुपए की नौकरी लगी, 40 लाख पर एनम। दो साल में इसने एक घर खरीद लिया, होम या हाउस जो भी कहते हो आप, एक बढ़िया सी कार खरीद ली। कौन सी कार ले लेते हैं, थार ले लेते हैं। इसने थार ले ली और इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी बन गए, बैंक बैलेंस भी बन गया। तो आप कह सकते हो कि इस इंसान का जो एक्स वाई जेड इंसान, इसका ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुआ है, इसका ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुआ है। लेकिन ये इंसान जब अपने थार पे बैठ के, ये इंसान जब अपने थार पे बैठ के इंडिया गेट के पास जाता है आइसक्रीम खाने अपने फैमिली के साथ, और अपने गाड़ी में बैठ के ये आइसक्रीम खाता है और खाने के बाद आइसक्रीम का पैकेट सड़क पे फेंक देता है, तो हम कह सकते हैं कि इस इंसान का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस इंसान का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक और एग्जांपल देता हूं, इस इंसान ने ग्रोथ तो बहुत किया पर ये अपनी पत्नी को लिबर्टी नहीं देता। ये अपने पत्नी को बोलता है कि तुम्हें सिर्फ ये पर्टिकुलर कपड़े पहनने हैं, बाहर जाके किसी से मिलना नहीं है, काम नहीं करना है, घर में सिर्फ घर का काम करना है, बाहर का काम नहीं करना है। तो आप कह सकते हो कि इस इंसान का ग्रोथ तो हुआ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, और एग्जांपल ये हो सकते हैं कि ये इंसान जो है, ये इंसान पैसा तो इसने बहुत कमाया, ही हैज अर्नड सुपर रिच अमाउंट ऑफ मनी, बट ही इज नॉट अलाउइंग हिज किड्स टू गेट मैरिड टू अ पर्सन हु इज ऑफ द अदर रिलीजन। ये अपने बच्चों की शादी किसी दूसरे रिलीजन के बच्चों के साथ मानता नहीं है, उसको मंजूर नहीं है, या उनकी दोस्ती इनको मंजूर नहीं है, तो इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आप समझ पा रहे हैं ना, डेवलपमेंट किन पैरामीटर्स को देखता है। डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से बहुत बड़ा है, ग्रोथ तो सीमित है, ग्रोथ तो सीमित है, डेवलपमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आप ग्रो कर सकते हो, कोई कंट्री ग्रो कर सकती है लेकिन वो डेवलप कर जाए जरूरी नहीं है। तो देखते हैं डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें, आप इस पर जरा ध्यान दे देते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट अगर आपको देखना है या डेवलप कंट्री अगर आपको देखनी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किन पैरामीटर्स पर ध्यान देना है। आपको देखना है कि आपके कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है। आपको देखना है कि आपके कंट्री में लिटरेसी कितनी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, बेरोजगार लोग कितने हैं, यानी कि बेकार जो हैं वो कितने हैं, बेकार लोग कितने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या देखना है आपको, आपको देखना है कि पीसीवाई कितना है, पीसीवाई यानी पर कैपिटा इनकम कितनी है। जाहिर सी बात है अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। पर कैपिटा इनकम कितनी आपको देखना है, लिटरेसी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा भी छोटी मोटी और भी चीजें आपको देखनी है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक साल के पहले ही मर जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आज किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो अपना एक साल भी पूरा नहीं करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों, उसका जो हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं है, या उसको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। यानी कि एक कंट्री में हेल्थ सर्विसेज कैसा है, ये भी डेवलपमेंट का पैरामीटर है। एक कंट्री में एजुकेशन कैसा है, ये भी डेवलपमेंट का पैरामीटर है। एक कंट्री में वुमेन्स राइट कितनी है, वुमेन्स राइट, ये भी डेवलपमेंट का पैरामीटर है। एक कंट्री में डेमोक्रेसी कैसी है, डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशनल लिबर्टी कितनी है, इंस्टीट्यूशनल लिबर्टी कितनी है, ये भी
डेवलपमेंट का पैरामीटर है। इंस्टीट्यूशनल लिबर्टी यानी कि जो देश के इंस्टीट्यूट्स हैं वो कितने लिबरल हैं, वो कितने लिबर्टी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे देश में सीबीआई कितनी लिबर्टी के साथ काम कर रही है, आरबीआई कितनी लिबर्टी के साथ काम कर रही है, पुलिस कितनी लिबर्टी के साथ काम कर रहे हैं, ये सब इंस्टीट्यूशन है। इनके ऊपर एक अलग से इकोनॉमिक्स है जिसको हम इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स कहते हैं या इकोनॉमिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ये कितनी लिबर्टी के साथ काम कर रही है, ये भी डेवलपमेंट का पैरामीटर है। एक डेवलप कंट्री में ये सारे चीजें अच्छी मात्रा में होती है, और एक अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में ये जो चीजें हैं ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज कॉम्प्रोमाइज होती है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं इस पूरे चीज को एक एग्जाम्पल से, देखिए मान लीजिए दो फैमिली है, फैमिली वन, फैमिली टू। फैमिली वन और फैमिली टू का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। चलिए समझते हैं, फैमिली वन का स्ट्रक्चर और फैमिली टू का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। फैमिली वन में क्या है, एक पापा है, एक मम्मी है, एक बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर, एक छोटा भाई है, यंगर ब्रदर, एक एल्डेस्ट सिस्टर है, एल्डेस्ट सिस्टर सबसे बड़ी है, ठीक है, एक ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर, और एक बुआ है यानी कि आंटी, ओके, अनमैरिड आंटी है, मान लो अनमैरिड आंटी है, ठीक है, या अनमैरिड नहीं, इसको हम ले लेते हैं डिवोर्स्ड आंटी है, यानी कि डिवोर्स्ड या विडो कुछ भी मान लो। मैं एग्जांपल, ये सब काल्पनिक है, मैं चीजें समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। विडो बुआ, ठीक है, और ये एल्डेस्ट सिस्टर जो है ना ये अनमैरिड है, बहुत उम्र हो गई अभी तक अनमैरिड है। सेम स्ट्रक्चर यहाँ है, पापा मम्मी एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर अनमैरिड एल्डेस्ट सिस्टर विडो बुआ और ग्रैंड मदर, दोनों का स्ट्रक्चर मैंने सेम रखा है। अब मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूं कि डेवलपमेंट को आप समझोगे कैसे। एक कंट्री डेवलप तभी होगी जब हर एक इंसान डेवलप होगा, हर एक परिवार डेवलप होगा, और एक डेवलप परिवार की निशानी क्या होती है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना सर, तो आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जितने भी थ्योरीज पढ़ोगे आप इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, इन यूनो धारणाओं के बेसिस पे पढ़ोगे, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो फैमिली वन जो है ना सर, फैमिली वन में जो पापा है ये अर्निंग है, ही इज द अर्निंग मेंबर, ओके, ये अर्न करते हैं, और जो एल्डर ब्रदर है वो भी अर्न करता है, तो ही इज अर्निंग, बाकी जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे ही इज अर्निंग, अदर्स आर डिपेंडेंट, ओके, तो डिपेंडेंसी रेशियो भी सेम है। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, ये डिपेंडेंसी रेशियो यानी कि मान लीजिए एक परिवार में चार लोग हैं, कमाने वाला एक है यानी अर्निंग एक है, और तीन लोग जो है वो अर्निंग नहीं है, यानी वो तीन लोग जो है वो उस एक इंसान पर डिपेंड करते हैं जो इंसान कमा रहा है, तो डिपेंडेंसी रेशियो कितनी हुई, डिपेंडेंसी रेशियो हुई 1:3 की, ओके, जितने लोग उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो डिपेंडेंसी रेशियो भी दोनों में सेम है, ठीक है। अभी ये जो परिवार है ना, पहला फैमिली वन, इस परिवार में एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन इज लो, और ये थोड़े कंजर्वेटिव है। ये परिवार एजुकेशन से भरपूर है और ये थोड़े लिबरल है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो कंजर्वेटिव है इसलिए उनकी एजुकेशन कम है, या उनकी एजुकेशन कम है इसलिए वो कंजर्वेटिव है, ये सबसे मुश्किल सवाल है। बताइए मुझे, एजुकेशन कम होने की वजह से कंजर्वेटिव है, या कंजर्वेटिव होने की वजह से एजुकेशन कम है, इस पे जरा सोचिए। दोनों ही सही लग रहा होगा आपको, एजुकेशन कम है, एजुकेशन कम होने की वजह से वो जान ही नहीं पाए कि इंसान खुले मिजाज का कैसा होता है, विचारों को एक्सेप्ट करना क्या होता है, इसलिए वो कंजर्वेटिव रह गए, ये तर्क भी सही है। और जो दूसरा तर्क है कि वो कंजर्वेटिव है इसलिए वो कभी एजुकेशन नहीं ले पाए, चूंकि वो फैमिली कंजर्वेटिव थी
तो उस फैमिली ने कभी अपनी बेटी को पढ़ने को भेजा नहीं। वो फैमिली कंजर्वेटिव थी, इसलिए उसकी बहू जैसे उस फैमिली में आती है उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपनी नौकरी छोड़ दी। वो फैमिली कंजर्वेटिव थी, इसलिए जो उस फैमिली की दादी अम्मा है वो अपने पोतों को तो मान रही है पर पोतियों को नहीं मान रही है। वो फैमिली कंजर्वेटिव थी, इसीलिए उस फैमिली में औरतों को अधिकार नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो कंजर्वेटिव होने की वजह से एजुकेशन नहीं है या एजुकेशन नहीं होने की वजह से कंजर्वेटिव है, ये दो बहुत ही जटिल सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है वो मैं थोड़ी देर बाद दूंगा आपको कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो जो पहली फैमिली है वो एजुकेशन कम है, कंजर्वेटिव है, दूसरी फैमिली जो है उसका एजुकेशन ज्यादा है, वो लिबरल है, ठीक है। अभी देखिए, मान लीजिए ये जो सेकंड फैमिली है ना, इसमें पापा मान लीजिए बिजनेसमैन है, मम्मी मान लीजिए स्कूल की टीचर है, एल्डर ब्रदर जो है वो मान लीजिए नौकरी कर रहा है एक एमएनसी में पढ़ाई करने के बाद, यंगर ब्रदर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, अनमैरिड एल्डर सिस्टर जो है वो मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, विडोड बुआ जो है विडोड बुआ फैशन डिजाइनर है, और ग्रैंड मदर अपने जमाने में 12th पास है। तो काफी पढ़ी लिखी फैमिली है, ये फैमिली उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। पापा जो है वो 10th क्लास पास है, एल्डर ब्रदर को पीट पीट के 10th क्लास पास कराया गया है, मतलब उस मूड में था नहीं पास करने का लेकिन उसको पीट पीट के कराया गया। यंगर ब्रदर पिछले 2 साल से क्लास 8 में है, अनमैरिड एल्डर सिस्टर जो है 4th क्लास में उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी, वो उसने ड्रॉप आउट कर लिया था। विडोड बुआ जो है, विडोड बुआ को 8वीं कक्षा तक पढ़ाया गया था पर वो विधवा हो गई है, उनकी काफी साल हो गया विधवा हो गई, अब वो अपने मायके में रहती है। और ग्रैंड मदर तो खैर क्या ही पढ़ी लिखी होंगी, वो अनपढ़ है। अब देखिए जरा सा, इस फैमिली में डिस्कशंस क्या होंगे, इस फैमिली में डिस्कशंस क्या होंगे, सोच के देखिए। इस फैमिली में ये जो पापा है ना, ही विल बी द सोल डिसीजन मेकर, ही विल बी द सोल डिसीजन मेकर इन एवरी मैटर। बट इस फैमिली में जो पापा है, ही विल नॉट बी द डिसीजन मेकर, ही विल बी द एडवाइस सीकर, ही विल बी द एडवाइस सीकर। वो एडवाइस सीक करेंगे किससे, एक इंसान सबसे बेहतरीन एडवाइस किससे सीख कर सकता है, या तो वो अपने मम्मी से एडवाइस सीख करेगा, पापा से एडवाइस सीख करेगा, और एक एज के बाद वो अपने वाइफ से एडवाइस सीख करेगा, क्योंकि स्पाउस का एडवाइस सबसे बेहतरीन एडवाइस माना गया है साइकोलॉजी में। तो वो इस औरत से अपनी एडवाइस सीख करेगा, उसके बाद कोई डिसीजन लेगा। और ये इंसान इतना लिबरल है कि शायद ये अपने एल्डर सन को भी डिसीजन मेकिंग में ले, विडोड बुआ को भी डिसीजन मेकिंग मिले, और जो अनमैरिड एल्डर सिस्टर है उसको भी शायद डिसीजन मेकिंग मिले। इस फैमिली में ऐसा कोई नहीं होगा, इस फैमिली में ये इंसान डिक्टेटर है, जो ये कहेगा वही फाइनल। इस फैमिली में ये जो पापा है, ये ग्रैंड मदर के साथ कैसा ट्रीटमेंट करेगा, तो ग्रैंड मदर के साथ इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही दुत्कारने वाला ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। कैसा ट्रीटमेंट किया, पूरे दिन पड़े रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, सिर्फ खाते हो 4 रोटी। लेकिन इस फैमिली में इसकी इज्जत कर रहा है, इस फैमिली में इसकी इज्जत करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी जो इज्जत है वो उसके संस्कार, उसके एजुकेशन के थ्रू आ रहा है, उसके एजुकेशन के थ्रू आ रहा है, और इसका एजुकेशन नहीं है इसलिए इसकी बेइज्जती कर रहा है। अब इस फैमिली में विडोड बुआ का हाल देख लेते हैं। इस फैमिली में विडोड बुआ जो है ना, इस फैमिली में विडोड बुआ इज इक्वल टू नौकरानी है। ये अक्सर इंडियन फैमिलीज में देखा गया, या जो भी अंडर डेवलप्ड फैमिलीज है, जो भी कंजर्वेटिव फैमिलीज है, जो भी यू नो थोड़े से बैकवर्ड फैमिलीज है, उसमें देखा गया है कि अगर घर की कोई बेटी विधवा हो जाए और वो वापस मायके आ जाए तो उसका हाल जो है वो बद से बदतर होता है, उसको नौकर से कम नहीं आंकते हैं। और अगर उस बुआ के कोई बच्चे हैं, मान लीजिए अगर उस घर की बेटी के कोई बच्चे हैं, तो उन बच्चों का भी हालत बहुत खराब होता है। एक ही परिवार में बुआ के बच्चे रह रहे हैं और उस परिवार के बच्चे रह रहे हैं, दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, अलग अलग कपड़े दिलाए जाते हैं, अलग अलग स्कूल में भेजा जाता है। अब देखिए, अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, ऐसा ही देखने को मिलता है। अमूमन जो रूरल और सब अर्बन जो एरियाज हैं इंडिया में, वहाँ पर जो टिपिकल फैमिलीज हैं वो ऐसा ही होती है, ठीक है। विडोड बुआ का ये हाल है, नौकरानी के बराबर घर का सारा काम करती है, ये जो मम्मी है ना ये कुछ काम नहीं करती, ये सारा काम करती है इनसे, और ये इंसान इसको ताना देती है, जो सासू माँ ताना देती है, और ये इसको उल्टा जवाब देती है। इस परिवार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, इस परिवार में ये सब, और इवन जो लड़के हैं वो भी सब मिल के काम करते हैं, क्योंकि इस फैमिली में, फैमिली टू में कोई काम को छोटा बड़ा नहीं समझा जा रहा है, सबको बराबर समझा जा रहा है, इसलिए सब मिल के काम कर रहे हैं। विडोड बुआ की भी वही इज्जत है जो इज्जत अनमैरिड एल्डर सिस्टर की है।
सेम, क्योंकि दोनों ही घर की बेटी है। अनमैरिड एल्डर सिस्टर और विडोड बुआ दोनों ही तो फैमिली की बेटी है ना, तो दोनों की इज्जत बराबर है, दोनों का डिसीजन मेकिंग में से है। एक चीज इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए सर, कि किसी भी फैमिली का अगर आपको डेवलपमेंट देखना है, तो उस फैमिली में वुमेन की जो स्टेटस है वो देख लीजिए, महिलाओं का जो स्टेटस है, जो स्तर है, जो रुतबा है वो देख लीजिए, वुमेन स्टेटस। अगर आपको किसी फैमिली में वुमेन स्टेटस सॉलिड नजर आ रहा है तो वो फैमिली डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स को टच करती है और डेवलप फैमिली है, लिबरल फैमिली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लड़कियां हैं जो अपनी फैमिली बनाने का सोच रही हैं, जो शादी का सोच रही हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, उनको मैं बता दूं कि अगर अरेंज मैरिज देख रहे हो आप, तो ये जरूर देखो कि जिस फैमिली में आप जा रहे हो अपना रिश्ता लेके, उस फैमिली में वुमेन का स्टेटस क्या है, उस फैमिली में वुमेन का डिसीजन मेकिंग क्या है। कैसे समझोगे? तो जब आप लड़का देखने गए, तो जब दोनों जो समधी हैं, जो यू नो जो दो फैमिलीज है, वो जब मीट करते हैं, तब देखो सामने वाली फैमिली में डिसीजन कौन ले रहा है। क्या सारे मर्द बैठ के डिसीजन ले रहे हैं या डिसीजन मेकिंग में औरत भी है? तो हम लोग देखते हैं कि जनरली औरतें आती तो है, पर औरतों का जो क्वेश्चंस रहता है वो वही लिमिटेड क्वेश्चंस है। खाना बना लेती हो, घर साफ कर लेती हो, ये क्वेश्चंस पूछते हैं। शादी कैसे करनी है, कौन सा हॉल बुक किया जाएगा, कितने मेहमान आएंगे, मेन्यू में क्या होगा। जब दो फैमिली मिलकर इन सब बातों पर डिस्कशन करती है, उन बातों में अगर सिर्फ मर्द जो है, यानी कि जो मेन है, वो अगर सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि दैट फैमिली इज अ रेड फ्लैग। उस फैमिली से रिश्ता मत करिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, यानी कि वो फैमिली एक रेड फ्लैग है अगर सिर्फ मर्द आकर डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजों में। कौन सा मैरिज हॉल बुक करना है, बैंड बाजा कौन से ग्रुप का रहेगा, और शादियों में परफॉर्म करने कौन आएगा, ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजों में अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन है, यानी कि डेट फैमिली इज अ लिबरल फैमिली, उस फैमिली में शादी कर लो। और अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो, तो जब आप अपने पार्टनर के साथ डेट कर रहे हो या कोर्टशिप में हो, तब आप देखो कि वो अपने घर की औरतों के बारे में क्या बताता है, अपने घर की औरतों के रुतबे के बारे में क्या बताता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या बताता है। अगर वो चीज आपको पॉजिटिव लग रहा है तो आप शादी कर सकते हो, गो फॉर इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा साहेब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर सर जो थे, हमारे डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आप इनका नाम भी ले सकते हो। भारत की सोसाइटी को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली वुमेन्स। इन्होंने कहा, मैं एक देश की तरक्की को इस बात से आंकता हूं कि उस देश में औरतों का स्तर क्या है। बहुत गहरी बात कही है बाबा साहेब ने, औरतों का स्तर। औरतें जो है वो पूरी दुनिया में मार्जिनलाइज्ड है, पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में मार्जिनलाइज्ड है, पूरी दुनिया में वो मार्जिनलाइज्ड है। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं और बदलनी भी चाहिए। तो ये दो फैमिली है, इन दो फैमिली में जो औरतें हैं, आप उनका कंपैरिजन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी फैमिली डेवलप है, कौन सी फैमिली अंडर डेवलप है। ये बात हो गई। अब एक और चीज, इस इंसान पे हमने बातचीत नहीं की, यंगर ब्रदर पे, चलिए इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो फैमिली है, इस फैमिली में यंगर ब्रदर जो है, इस फैमिली में यंगर ब्रदर को जो मेल है, यानी कि जो फादर और जो एल्डर ब्रदर है, वो बिल्कुल इज्जत नहीं देते। इस फैमिली में यंगर ब्रदर को इज्जत सिर्फ उसकी माँ, उसकी दादी से मिलता है, क्योंकि सबसे छोटा है। जो जितने भी अंडर डेवलप्ड फैमिलीज हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा आज भी जो छोटा बच्चा, उसको बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है। लेकिन ये सही नहीं है, एक लिबरल फैमिली में सबको बराबर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हाँ, अगर छोटा बच्चा बहुत छोटा है, अगर वो टॉडलर है, तो ऑफकोर्स उसका अटेंशन मिलना चाहिए। लेकिन 18-19 का मुस्टंडा होने के बाद भी अगर उसको स्पेशल फोकस मिल रहा है या लायनाइज किया जा रहा है, तो वो गलत है। सेकंड फैमिली में ऐसा नहीं होता है, सेकंड फैमिली में उसको वही ट्रीटमेंट मिलता है जो नॉर्मली मिलना चाहिए लोगों को। इस फैमिली में यंगर ब्रदर मान लो एक दिन आके अपने एल्डर ब्रदर को बता रहा है कि पता है आज क्या हुआ, क्या आज जो है ना एक लड़की आई मेरे पास, उसने मुझे प्रपोज किया और मुझे भी वो पसंद आ रही है। एल्डर ब्रदर तुरंत उसको एक झापड़ लगाएगा और जाके शिकायत लगाएगा मम्मी पापा के पास। अब मम्मी पापा भी उसको जो हाथ में आ जाएगा उससे मारेंगे। मार पिटाई, ये एक
कंजर्वेटिव फैमिली का निशानी है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा अपराध तो नहीं हुआ, उसने तो कुछ नहीं किया। वो ये बता रहा है कि एक लड़की है, उसने उसको प्रपोज किया और फैमिली के सारे लोगों ने ये प्री अजम्पशन कर ली, ये धारणा बना ली कि तुमने ही कुछ किया होगा, तभी उसने ऐसा किया। बहुत बढ़ रहे हो तुम, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, यही सब करो, ये सब करने का, ये सारी बातें आएंगी, उस पर मेंटल स्ट्रेस डाली जाएंगी। लेकिन यही बात अगर फैमिली टू के यंगर ब्रदर ने किया होता, अपने एल्डर ब्रदर को बताया होता डाइनिंग टेबल पर बैठ के, बताया आज एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया, तो पहले तो क्या होता कि एल्डर ब्रदर उसकी थोड़ी सी खिंचाई करता और फिर अपने फैमिली वालों को टेबल पे ही बताता कि पता है क्या हुआ, देखिए जो साहबजादे हैं, साहबजादे को आज प्रपोजल आया है, बड़े हो गए, जवान हो गए साहबजादे, और पूरी फैमिली ठहाका लगा के हंस देती और बात वहीं पे खत्म हो जाती। ये है लिबरल फैमिली की निशानी, दिस इज व्हाट लिबरल फैमिली इज। अगर आप ये दो फैमिली के कॉन्सेप्ट को समझ गए ना सर, तो आप कंट्री के डेवलपमेंट को भी समझ जाएंगे। ये दो फैमिली एक सैंपल है और इस सैंपल को जब आप पॉपुलेशन यानी पूरे कंट्री पे लगाओगे, आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा। डेवलप इकोनॉमी कैसी होती है? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हर फैमिली लिबरल है, हर फैमिली जो है पढ़ी लिखी है, हर फैमिली जो है वो ओपन विचार वाली है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, एक दूसरे की इज्जत कर रही है। और जब ये अपर लेवल पे जाता है तब क्या होता है, इन माहौल की वजह से एजुकेशन प्रमोट होता है। एजुकेशन प्रमोट अगर हो गया तो लोग अपने हक की बातें करेंगे, हक की बातों में क्या मांगेंगे, वो हेल्थ मांगेंगे, तो आपको हेल्थ सर्विसेज मिलेगा, यहाँ पे ऊपर जाइए, हेल्थ सर्विसेज मिलेगा, सरकार आपको हेल्थ देगी, एजुकेशन रहेगा, लिटरेसी रेट रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। एजुकेशन रहेगा लिटरेसी रेट रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, हेल्थ की समस्या खत्म होगी। एजुकेशन होगा तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कमेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ भी कमेगा, हेल्थ अच्छा है, आईएमआर कमेगा, तो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो एक के बाद एक सब चीजें अपने रंग दिखाना शुरू करेंगे, अच्छा रंग, और हम एक डेवलप कंट्री बनके निकलेंगे, हम एक डेवलप कंट्री बनके निकलेंगे, यही बात है। तो एक कंट्री का जो ऑब्जेक्टिव है ना सर, वो डेवलप होना है, ग्रोथ तो होता रहता है, डेवलप होना है। जितनी पॉलिसीज ली जाती है ना, वो डेवलपमेंट पॉलिसीज ली जाती है। जैसे आप अगर ध्यान दो, भारत सरकार की जो पॉलिसीज हैं, कौन सी पॉलिसीज हैं, क्या पॉलिसीज है, जैसे मिड डे मील कौन सी पॉलिसी है, डेवलपमेंट पॉलिसी है। इसके थ्रू क्या होगा, न्यूट्रिशन, बच्चों को न्यूट्रिशन, जिससे उनका हेल्थ अच्छा होगा, और साथ ही साथ एजुकेशन। तो तीन चीजों को कैटर कर रहा है मिड डे मील, तीन चीजों को, डेवलपमेंट पॉलिसी। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, क्या है ये भी डेवलपमेंट पॉलिसी है। आयुष्मान भारत योजना क्या है, ये डेवलपमेंट पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी, हेल्थ की पॉलिसी, हेल्थ में भी पर्टिकुलरली कौन सी पॉलिसी, इंश्योरेंस की। अब जैसे हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस नहीं ले सकते, हेल्थ इंश्योरेंस तो और भी बहुत कम लोग लेते हैं। हमारे देश में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो 4% भी नहीं है, यानी 100 में से 4 लोग भी ऐसे नहीं है जो इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो जहां पे हम इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे हैं, इंश्योरेंस लेंगे भी कैसे, जब आपकी रेगुलर रोज की 2 रोटी दाल चावल आपका जब पूरा नहीं हो रहा है, तो आप इंश्योरेंस कैसे लोगे। तो यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है कि इससे हेल्थ अच्छा होगा। हेल्थ अच्छा रहने से क्या होगा, आप प्रोडक्टिव ज्यादा होगे। अगर आप प्रोडक्टिव ज्यादा हो ना सर, तो आप कंट्री के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करोगे। आ गया ग्रोथ, ग्रोथ आ गया। तो जितने भी पॉलिसीज हैं वो सब डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं। मिड डे मील ले लिया आपने, आयुष्मान भारत योजना ले लिया, कोई भी चीज ले ले, रूसा ले ले आप, 2013 में आई थी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, हायर एजुकेशन के लिए योजना है। हायर एजुकेशन अगेन एजुकेशन की बात करता है, यानी डेवलपमेंट की बात कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन को चेंज करने के लिए पॉलिसी लाई गई, डेवलपमेंट पॉलिसी है। तो पॉलिसीज जो है ना, वो डेवलपमेंट पॉलिसीज होती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट ही होना हमारा कंट्री का ऑब्जेक्टिव है, हमें डेवलप होना है, और उसके लिए पॉलिसीज लेनी पड़ेंगी। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे, वो रोल अदा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जिस कंट्री की आप बात करो उस कंट्री की गवर्नमेंट, उनका बहुत बड़ा रोल है। ये डेवलपमेंट करेगी कौन, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट के थ्रू डेवलपमेंट होगा, ताकि
हर इंसान के पास नौकरी हो, वो बेरोजगार ना हो, उसका हेल्थ अच्छा हो, उसमें गरीबी ना हो, महंगाई कम हो और क्या कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी कम हो, उसका हेल्थ सॉलिड हो, उसको एजुकेशन मिले, लिटरेसी रेट बढ़े, लोग लिबरल हो, लोग खुले मिजाज के हो, खुले विचार के हो, लोग क्रिटिसिज्म लेना जानते हो, लोग थोड़े से मतलब लिबरल बने, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, और एक दूसरे का सम्मान करें, ट्रांसजेंडर को सम्मान मिले, इक्वल राइट्स मिले, वुमेन को इक्वल राइट्स मिले, वुमेन मार्जिनलाइज ना हो, ट्रांसजेंडर मार्जिनलाइज ना हो। जैसे आप सोचो आज से 50 साल पहले वुमेन ज्यादा मार्जिनलाइज थी, अभी वो मेन स्ट्रीम में आ रही है, तो उसी तरह से ट्रांसजेंडर जो है वो अभी मार्जिनलाइज है, कुछ सालों बाद जब ट्रांसजेंडर के लिए पॉलिसीज ली जाएंगी, कुछ सालों बाद वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो जब डेवलपमेंट पॉलिसीज ली जाती है ना सर, वो प्रेजेंट को ठीक करने के लिए नहीं, वो फ्यूचर को ठीक करने के लिए ली जाती है, फ्यूचर को। एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए सरकार ने एक योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बता रहा हूं मैं कि कैसे गवर्नमेंट डेवलपमेंट करवाती है। तो मान लीजिए एक योजना है सरकार की, वो योजना क्या है, वो योजना है कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे तो आपको यानी पेरेंट्स को हम 5,000 रुपया सब्सिडी देंगे, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे तो हम आपको 5,000 रुपया सब्सिडी देंगे। तो मान लीजिए एक किसान है, किसान का नाम है मान लीजिए किसान का नाम है होरी, किसानों के नाम जनरली ऐसे होते हैं, और उसकी एक बेटिया है, बेटिया का नाम है धनिया। मैं प्रेमचंद बहुत पढ़ता हूँ तो प्रेमचंद के कैरेक्टर से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, होरी धनिया को मुझे कमेंट करके बता पाएगा ये कौन सी कहानी से मैंने कैरेक्टर उठाया है। ये प्रेमचंद की कहानी है पर मुझे आप बताइए कौन से कहानी से मैंने उठाया है, ठीक है। तो होरी एक किसान है, उसकी बेटी है धनिया, धनिया को स्कूल भेजने के लिए सरकार होरी को 5,000 रुपये महीने का दे रही है, तो होरी भी खुशी खुशी धनिया को भेज रहा है स्कूल। अब धनिया स्कूल जाती है, धनिया ने एजुकेशन लिया, धनिया यू नो एक आईएएस ऑफिसर बन गई, क्या बन गई, एक आईएएस ऑफिसर बन गई। अब धनिया ने जब शादी किया तो धनिया की एक बेटी हुई, अब धनिया की बेटी का नाम है मान लीजिए समायरा, अब नाम बदल गया, आपने देखा स्टेटस बदलता है ना सर, तो नाम बदल जाता है, आप अगर देखोगे तो नाम होता है ना, वो नाम आपके स्टेटस को बहुत दिखाते हैं। तो धनिया से क्या हो गया, समायरा हो गया बिटिया का नाम, क्योंकि अब स्टेटस बदल गया, आईएएस ऑफिसर की बेटी है भाई। तो समायरा जो है वो धनिया की बेटी है, होरी की नतनी है। आप मुझे बताओ कि समायरा को स्कूल भेजने के लिए क्या धनिया इस बात का इंतजार करेगी कि कब सरकार सब्सिडी स्कीम लाएगी, कब सरकार मुझे 5,000 महीने की देगी और मैं समायरा को स्कूल भेजूंगी, क्या ये सोच धनिया के दिमाग में आएगा? बिल्कुल नहीं। धनिया विल नॉट वेट फॉर द मोमेंट टिल गवर्नमेंट गिव द सब्सिडी एंड देन धनिया विल सेंड हर डॉटर समायरा टू स्कूल, नथिंग लाइक दैट। धनिया इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द गवर्नमेंट इज गिविंग द सब्सिडी और नॉट, धनिया विल सेंड समायरा टू स्कूल। सरकार सब्सिडी दे ना दे, धनिया समायरा को स्कूल जरूर भेजेगी, क्योंकि धनिया नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो समायरा विल गो टू स्कूल, विल गो टू स्कूल। अब ऐसे जो एग्जाम्पल है होरी धनिया समायरा, मान लीजिए ये तो मैंने एक फैमिली ट्री बताया, इस तरह से बहुत सारी फैमिली ट्री है, जैसे होरी एक किसान था, वैसे कोई एक्स वाई जेड और भी किसान थे, हर किसान की एक एक बेटी थी, एक एक बेटा था, हर किसान को सरकार ने 5,000 रुपए दिए, हर किसान के बच्चे पढ़ लिख गए, आईएएस आईपीएस बन गए, और उनके बच्चे जो हुए उनके बच्चे सरकार की सब्सिडी की स्कीम पे डिपेंडेंट नहीं है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि जो थर्ड जनरेशन के जो बच्चे हैं ना उनके माता पिता एजुकेटेड हैं, वो उनको ऐसे ही स्कूल भेजेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज अगर कोई योजना बनाई कि 5,000 रुपए सब्सिडी देंगे हम ताकि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज सको, वो इस पर्टिकुलर जनरेशन को अपलिफ्ट करने के लिए नहीं बना रहे, गवर्नमेंट जो है वो इस जनरेशन को अपलिफ्ट करने के लिए योजना नहीं ला रही है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है ये समायरा वाले जनरेशन को अपलिफ्ट करना, समायरा वाले जनरेशन को अपलिफ्ट करना ऑब्जेक्टिव है, कि समायरा वाले जो जनरेशन है ना वो डिप्राइव ना रह जाए पढ़ाई लिखाई से, उनको पढ़ाई लिखाई प्रॉपर मिले। तो थर्ड जनरेशन में जो सरकार होगी, थर्ड जनरेशन तक आते आते मान लीजिए 25-30 साल बीत गया, तो थर्ड जनरेशन में जो सरकार होगी ना उस सरकार को फ्री एजुकेशन सब्सिडी एजुकेशन में ज्यादा बजट का पैसा डालने की जरूरत नहीं होगी, वो किसी और चीज में पैसा डालेगी, उसकी बजट का एलोकेशन किसी और चीज में होगा जो उस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या अगर एजुकेशन में डालेगी भी तो कम पैसा डालेगी क्योंकि सारे लोग अपलिफ्ट नहीं हो सकते। होरी वाली जनरेशन में भी कुछ किसान ऐसे रह जाएंगे जो यू नो डिप्राइव रह जाएंगे, जिनको सब्सिडी स्कीम नहीं मिलेगा, वो लोग
सलमायरा के जनरेशन तक डिप्राइव रहेंगे एजुकेशन से, उनके लिए कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ये 5000 रुपए वाली योजना चलाई जाएगी। लेकिन मेजर पोर्शन वो होगा, मेजर लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अपलिफ्ट हो चुके होंगे और उनको किसी स्कीम की जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। मैं समायरा वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप स्कूल जाएंगे। तो जब सरकार ये योजना ला रही है वो धनिया को अपलिफ्ट करने के लिए या होरी को अपलिफ्ट करने के लिए नहीं, वो समायरा को अपलिफ्ट करने के लिए ला रही है। ये 5000 रुपए तो वो होरी को दे रही है ताकि होरी की जो शॉर्ट टर्म की समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो सके, होरी के घर में खाना बन सके, होरी रोज दो रोटी खा सके दाल के साथ, इसलिए वो 5000 रुपए है, इसलिए वो 5000 रुपए है। इस बात को समझिए, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग रन के लिए होता है, वो लॉन्ग रन के लिए होता है। ये जो जितने भी स्कीम्स आप देखते हो एजुकेशन से या हेल्थ से, ये स्कीम क्या 50 साल चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। जब तक ये स्कीम का मकसद पूरा हो जाता है तब तक ही ये स्कीम चलेंगे। जब लगेगा कि नहीं सब लोग तो यार गरीबी के बाहर आ गए तो फिर स्कीम बंद कर दिया जाएगा। फिर क्या जरूरत है स्कीम की? फिर जरूरत ही क्या है स्कीम की? ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अभी जो हमारा समाज है, पूरी दुनिया का समाज जो है वो उतना आगे बढ़ा नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया का समाज देखो तो 200-300 साल का समाज है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो मॉडर्न सोसाइटी है 200-300 साल की है। चाहे आप कोई भी कंट्री उठाकर देख लो, रेनेसा के बाद, रेनेसा जब हुआ खत्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ, उसके बाद का जो सोसाइटी है वो तो नया सोसाइटी है। वो सोसाइटी अभी अपलिफ्ट हुआ नहीं है, वो सोसाइटी जो है वो अभी अपलिफ्ट हुआ नहीं है, उसका भी टाइम लगेगा अपलिफ्ट होने में। इसलिए हम इतनी पॉलिसीज देखे जा रहे हैं पूरी दुनिया भर में। एक बार जब अपलिफ्ट हो जाएगा, पॉलिसीज खत्म हो जाएंगी, उस वक्त पॉलिसीज किन मैटर पे बनेंगी? जिन मैटर की जरूरत उस समय ज्यादा होगी, जैसे क्लाइमेट चेंज। अभी आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज भी बहुत फोकस हो रहा है, 1992 के बाद क्लाइमेट चेंज पे फोकस होना शुरू हो गया है, और अभी तो बहुत सॉलिड फोकस हो रहा है क्लाइमेट चेंज पे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी डेवलपमेंट का पार्ट है। इससे पहले क्लाइमेट पे फोकस नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त जरूरत नहीं थी, पर अब जरूरत है और ये अगले 100 साल तक चलेगा, क्योंकि अगले 100 साल तक क्लाइमेट एक क्राइसिस वाले मैटर से गुजर रहा है। तो डेवलपमेंट जो है वो ऐसे होता है। लास्ट में खत्म करूंगा, इसका जवाब देखिए, जो मैंने यहाँ सवाल पूछा था कि कंजर्वेटिव है इसीलिए वो एजुकेशन कम है, एजुकेशन कम इसलिए कंजर्वेटिव। देखिए दोनों हो सकता है, यहाँ सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई कंजर्वेटिव है इसलिए वो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, तो उनको ये 5000 रुपए वाली सब्सिडी दीजिए ताकि वो अपने बच्चों को एजुकेशन लेने भेजें, और जब उनके बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो चेन को तोड़ देंगे। ये जो कंजर्वेटिव लो एजुकेशन, लो एजुकेशन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव लो एजुकेशन, लो एजुकेशन कंजर्वेटिव, ये जो विशेष सर्कल चला है ना सर, कंजर्वेटिव लो एजुकेशन, ये जो चेन जो गोल गोल चल रहा है, अगर आपने ये 5000 रुपए वाली सब्सिडी स्कीम दी और इससे इस फैमिली के बच्चों को एजुकेशन मिला, तो ये लो एजुकेशन हाई एजुकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये चेन यहाँ टूट जाएगी। फिर उसके बाद वाली जनरेशन कभी कंजर्वेटिव नहीं बनेगी, वो लिबरल रहेगी। तो यहाँ सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब भी डेवलपमेंट करवाना है ना, गवर्नमेंट के रोल को बहुत इंपॉर्टेंट यू नो मान्यता मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का नियम जो नियत है वो अच्छा होना चाहिए, तब आप डेवलपमेंट इकोनॉमी देखोगे, डेवलप्ड कंट्री देखोगे, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी जो यू नो एक्सपेक्टेशन थी कि आपको मैं डेवलपमेंट क्या होता है वो बता दूँ, इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, एक सीरीज में वीडियोस आएंगी जिसमें मैं और भी यू नो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, जैसे डेवलपमेंट की थ्योरीज क्या है, HDI क्या होता है, मैपिंग है कैसे डेवलपमेंट को, पॉवर्टी के बारे में स्पेशल डिस्कशन होगा, इनइक्वालिटी के बारे में स्पेशल डिस्कशन करूंगा। ये मेरी मंशा है, ये मेरा प्लान है, ओके, दिस इज माय प्लान। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और क्या चाहिए आपको, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। और भी कुछ सीरीज है जिनको मैं लगातार पैरेलली चलाऊंगा, जैसे एक तो मैनक्यू सीरीज चल रही है, यूट्यूब शॉर्ट्स रोज आता है जिसमें मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में बातें करता हूँ UGC नेट के लिए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी करा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ आपके लिए एक होलसम है जो आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पे। आई डोंट थिंक ये कंटेंट आपको फ्री में कहीं मिलेगा, ये चीज़ें मैं मतलब मैं पेड में कराता हूँ ये सारी चीज़ें, पर मैंने सोचा यूट्यूब में भी करा दिया जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।